जय श्री राम। कई बार दिमाग में आता है कि हमें किस क्षेत्र में मेहनत करनी चाहिए जिससे हमें प्रगति मिले, जहां हमें सफलता मिले। और जो ट्वेल्थ और कॉलेज के बाद की जो यंगस्टर की जो लाइफ होती है, जहां पर ये निर्णय लेना होता है कि मेरे लिए कौन सी डायरेक्शन है, मैं कहां जा सकता हूं, कितना सफल हो सकता हूं, उस क्रूशियल पॉइंट पर बर्थ चार्ट कैसे हमारी हेल्प कर सकता है, उस विषय पे आज हमारे साथ है भाभाजीत जी। एग्जॉटिक एस्ट्रोलॉजी से भाभाजीत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो इस विषय पर अपनी जो उनका अनुभव है वो हमसे साझा करेंगे और बताएंगे कि किस तरह हम उसको देख सकते हैं। बाकी ज्यादा समय नहीं लेते हुए नमस्कार भाभाजीत जी। नमस्ते नमस्ते, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने के लिए। और फिर से एक बार मैं बोलूंगा, जैसा लास्ट टाइम बोला था, मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, तो जो भी छोटी बड़ी गलतियां होंगी उसको थोड़ा नजरअंदाज कीजिएगा। नहीं, नहीं, तो नहीं। अभी मैं सोच रहा था कि जैसे हमारे बड़े बड़े जो पर्सनालिटीज है, जैसे अमिताभ बच्चन हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, तो ऐसे बड़े लोग हो गए ना, तो ऐसे लोग इतने सक्सेसफुल क्यों होते हैं? वेरी गुड। तो वो जानने वाली बात है कि उनमें ऐसा क्या है जो हमें नहीं है। इसको देखने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कुछ चीजें यहाँ पे वो दिखाना चाहूंगा आप लोगों को, जो मेरा अनुभव रहा है। तो मैंने क्या देखा है कि जब हमारे जो केंद्र स्थान है ना, जो 1, 4, 7, 10 लगन, फिर चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, फिर दशम भाव, ये चार जो घर है इनको विष्णु स्थान बोला गया है, और जो त्रिकोण है उनको लक्ष्मी स्थान बोला गया है। और जब इनके स्वामी आपस में एक दूसरे के साथ बैठ जाए या युति कर ले, उसको राजयोग भी बोला जाता है। बिल्कुल। तो केंद्र जो होता है ना, वो कहते हैं कि वो राजा का घर है। राजा मतलब कि अब इसी बात से समझ सकते हैं कि राजा तो एक ही हो सकता है ना, 10 तो नहीं हो सकता है। तो अगर हम ये देखते हैं कि किसी के कुंडली में एक ही ग्रह बहुत शक्तिशाली है केंद्र में जी, या ठीक ठाक शक्तिशाली है, लेकिन उसका जो उसको जो घटाता है ना, उसकी शक्ति को जो अपोजिंग फैक्टर है, वो केंद्र से बाहर है, तो वो ऐसी बात हो जाती है कि वो ग्रह बोल रहा है मैं यहाँ राजगद्दी में बैठूंगा, मुझे कोई हिला नहीं सकता यहाँ से। तो क्या होता है, वो ग्रह पूर्ण तरीके से अपना फल देता है उसके दशा में या अंतरदशा में, जो भी बोलो वो बात की बात है, बट वो ट्रेड बहुत प्रोमिनेंट होता है आदमी में। तो मैं वही दिखाना चाहूंगा यहाँ पे कि लोग हमें पूछते हैं, मुझे तो बहुत पूछते हैं, आपको भी पूछते होंगे कि अरे हमारे ना दो दो महापुरुष योग है, जैसे पंच महापुरुष योग बोला जाता है ना, वो केंद्र में होता है। जब सूर्य चंद्र राहु केतु के अलावा जो बाकी पांच ग्रह है, जो केंद्र में अगर स्वराशि या मूल त्रिकोण या उच्च में राशि में बैठे, तो उस कहते हैं कि महापुरुष योग बनाते हैं वो। लेकिन बहुत बार हम देखते हैं कि बहुत सारे महापुरुष योग होते हैं लोगों के, लेकिन वो फलित नहीं होते। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे जो मूल कारण है वो यही है कि आपके कुंडली में अगर चार भी महापुरुष योग है, तीन या चार, मैक्सिमम तो तीन या चार ही हो सकते हैं, आपके पांच तो होने, चार केंद्र है तो चार ही हो सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, चार के अंदर चार, वो भी अगर आपका ना वो चर राशि है तभी लग्न में। हाँ, तो उसमें क्या हो सकता है? तो उसमें एक कारण ये हो सकता है कि आपका जो ग्रह महापुरुष योग दे रहा है, और भी उसका कोई दूसरा ग्रह है जो भी महापुरुष योग में, जो उसको काट रहा है। तो उसके वजह से ना तो वो काम कर पा रहा ना तो ये काम कर पा रहा, तो वो आदमी के व्यक्ति के जीवन में फलित कैसे होता है कि जब उसको एक महापुरुष योग उसका चालू हो जाता है, एक्टिवेट होता है, तो वो उसे उस तरफ खींचता है। और मान लो उसका शुक्र केंद्र में है, उच्च राशि में, मीन राशि में, तो उसका जो वो शुक्र की तरफ उसको खींचेगा, जो बोलेगा तुम इधर जाओ, लाइमलाइट में जाओ, ये करो वो करो। तो खैर शुक्र के केस में तो मैं बोलूंगा अगर तुला राशि में मान लीजिए ना, तो और मान लीजिए शनि भी वहां बैठा है जी, ठीक है जी, तो शनि, अब शनि जब एक्टिवेट होगा तो शनि बोलेगा कि ये सब क्या भोग विलास में मन लगा रहे हो ना,
तुम थोड़ा डिसिप्लिन रह के काम करना सीखो ना, तो वो आदमी की जिंदगी नरक जैसा हो जाता है। वो सोचता है कि मैं भोग विलास करूं, मैं मस्ती करूं, मैं मजे करूं, कि मैं काम करूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं। तो इसके वजह से हमें ये देखना चाहिए सबसे पहले कि केंद्र में अगर ऑपोजिट फोर्सेस बहुत ज्यादा है, मतलब एक दूसरे को जो दबाते हैं, तो उनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे शक्तिशाली कौन सा है, तो वही काम करेगा। मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि कौन किसको ऑपोज करता है और कब किस सिचुएशन में, अगर ऑपोजिंग प्लैनेट्स है तो क्या रेमेडीज हम सजेस्ट कर सकते हैं ना, क्या उपाय हम बता सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें एक को घटाना होगा, क्योंकि दो एक साथ नहीं हो सकता, और कभी कभार तो तीन चार दिग में खींचा जाता है, क्योंकि जो दिग्बल का जो कंसेप्ट है वो भी केंद्र से ही आता है। बिल्कुल, जैसा हम जानते हैं गुरु और बुध लगन में दिग्बल ही होते हैं, शुक्र और चंद्र जो है वो चतुर्थ में, शनि सप्तम में, और सूर्य मंगल जो अग्नि ग्रह है वो दसवें घर में दिग्बल में आता है। तो कभी कभार लोग बोलते हैं ओ मेरा शुक्र भी दिग्बल में, मेरा सूर्य भी, सूर्य तो हो नहीं सकता दिग्बल में, सपोज आप बोलेंगे शनि दिग्बल में मेरा तो तब क्या होता है ना, दो दो बहुत ताकतवर चीजें हो जाती है फोर्स, तो आदमी को लगता है मैं किस साइड जाऊं ना। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि उन योगों में से या केंद्र में कौन सा ग्रह सबसे शक्तिशाली है, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि उसको काटने वाला कोई है क्या, और अगर नहीं है तो अति उत्तम है, लेकिन अगर है तो हमें देखना पड़ेगा कि उस दूसरे ग्रह के ताकत को कैसे घटाया जाए। ठीक है, तो वही मैं यहाँ पे दिखाने का कोशिश करूंगा एग्जाम्पल चार्ट्स पे। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, कुछ जो हमारे जाने माने पर्सनैलिटीज है उनके चार्ट्स लिए है, लेकिन मैंने कुछ बाकी दोस्तों के भी चार्ट्स लिए हैं जिनकी जिंदगियों से मैं भलीभांति परिचित हूँ, क्योंकि कोई कह सकता है ना वो महान लोगों को तो सब जानते हैं ना, थोड़े कॉमन हमारे आम आदमियों के बीच में आकर भी दिखाओ तो तो इसीलिए मैं सोचा कि दोनों दिखाते। तो पहले मैं शुरू करता हूँ हमारे जो फेमस पर्सनैलिटीज है उनके चार्ट्स को लेके। तो अभी मैं स्क्रीन शेयर करना चालू करता हूँ, आपको दिख रहा है मेरा स्क्रीन? हाँ जी, आपकी स्क्रीन आ रही है। हाँ, तो मैं इसको साइड में कर देता हूँ ताकि हमें बैकग्राउंड में वॉलपेपर दिखता रहे तो यहाँ पे मैं चालू करता हूँ सबसे पहले, जैसे कहते कि राजा रामचंद्र भगवान का चार्ट सबसे पहले लेना चाहिए। अरे बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये जो चार्ट है ये केनराव सर ने जो दिया है, ये वही चार्ट मैं दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे बहुत सारे कंट्रोवर्सीज है ना, कुछ प्लेसमेंट्स कहाँ है, किधर है, तो वो कंट्रोवर्सी हमेशा ही रहेगा। अलग अलग परंपराओं में इनका अलग अलग चार्ट दिया जाता है, बट ये जस्ट मैं एग्जाम्पल से दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसा आप देखिएगा, ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है तो इनका चार्ट तो सामान्य आदमी जैसा तो हो नहीं सकता है। हाँ जी, इनका असाधारण चार्ट होना भी पड़ेगा, और इनकी जिंदगी भी वैसी थी ना। यहाँ पे आप देखिए, इनका गुरु जो है वो लगन में दिग्बल में है ना, और फिर ये भी महापुरुष योग बना रहा है, हंस महापुरुष योग, फिर शनि भी महापुरुष योग बना रहा है, और फिर मंगल भी महापुरुष योग बना रहा है। तो यहाँ पे तीन तीन महापुरुष योग हो गए जी। और इसको इसको झेल पाने की जो ताकत है ना, वो प्रभु रामचंद्र में ही है। सही बात, बिल्कुल। अगर ये किसी और आम आदमी का कुंडली होता तो शायद वो मर जाता क्योंकि बहुत सारी ऐसी ताकत है। जैसा देखिए, मैं आपको समझाता हूँ, जैसे गुरु इनका दिग्बल में है और महापुरुष योग में, तो इसके वजह से जैसे रामचंद्र को बोलते है ना, वो जैसे रामायण में एक श्लोक आता है, तो एक संग आता है जब प्रभु रामचंद्र बोलते हैं कि आज मैं इतना दिलदार हूँ कि अगर ये प्रसंग तब आता है जब वो सुग्रीव, वहां से सुग्रीव ने क्या नाम था उनका, विभीषण जब लंका से आते हैं तो उनको अपने दल में शामिल करने की जो बात आती है, तब राजा रामचंद्र ये कहते हैं कि आज विभीषण तो क्या, अगर रावण भी आ गया तो मैं उसे भी माफ कर दूंगा जी, आज मैं इतना दिलदार हूँ ना, मूड में हूँ मैं आज तो फिर एक प्रश्न किया जाता है प्रभु रामचंद्र से कि
फिर रामचंद्र क्या करते हैं, उनको राज्याभिषेक कर देते हैं उनका ना, जी कि महाराज विभीषण आप लंका के राजा बनेंगे, ठीक है। तो उनसे कोई प्रश्न पूछता है कि अरे आपने तो इनको राजा बना दिया, लेकिन अभी आपने कहा कि आज अगर रावण आके आपसे माफी मांग लेता है तो आप क्या करोगे? अब आ जाता है तो, क्योंकि अब तो आप दे चुके हो। हाँ, अब तो आपने इनको बना दिया। तो राजा रामचंद्र ने बोला नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, मैं रावण को अयोध्या में बिठा दूंगा। तो ये देख रहा है, ये जो दिलदारपन, ये जो उदारता है ना, ये जो है वो गुरु से आता है। गुरु और चंद्र जो लगन में है ना, ये उसके वजह से आता है जी। अब ये उनमें भरपूर तरीके से है। अब उसके बाद देखिए, इनका जो मंगल है वो भी उच्च का है। तो इसका मतलब क्या है, जब वो मंगल क्या दर्शाता है ना, वो दूसरे को मारने पीटने खत्म करने की जो ताकत है वही मंगल दर्शाता है जी। और जब उन्होंने धनुष उठा लिया एक बार, तब कोई भी उनके सामने नहीं टिक सकता है। सही बात है। तो ये वो जो, ये जो एक्सिस है ना लगन और सप्तम, ये बड़ा डायनेमिक एक्सिस है इनके यहाँ। तो ये दर्शाता है कि प्रभु रामचंद्र जो है वो जब किसी को माफ करने का समय है तो भी कर सकते हैं, और जब किसी को दंड देने का समय आए तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये एक आम इंसान के हॉरोस्कोप में आता है तो क्या होगा? तो इनकी पूरी जिंदगी इसी सोच में जाएगी कि मैं इंसानों को माफ करूं कि उनको पिटूं। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि उनमें वो पावर नहीं है हम आम आदमियों में कि इस लेवल के ऐसे चीजों को हम झेल सके ना। तो ये तो खैर एक्स्ट्राऑर्डिनरी चार्ट है ना, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शनि और मंगल जो दोनों केंद्र में है, तो इसके वजह से दोनों का लगन पे ना दृष्टि है। करेक्ट। तो इसके वजह से इनका जो जीवन है बहुत दुखदायी रहा है, प्रभु रामचंद्र का बहुत कष्टों से भरा हुआ रहा है ना। तो ये वो थे, इसीलिए वो कहते हैं ना जो विष पी जाए वही शिव कहलाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो विष तो वही पी सकते हैं। हाँ बोलिए। नहीं, मैं आपको एक अपना अपना अनुभव बताऊं। 19 अप्रैल 1956 की कुंडली है, 12:30 और हापुड़ का ही जन्म है, यूपी में। आपने जैसे कहा बिल्कुल काफी कुछ सिमिलर चार्ट है। लग्न में गुरु चंद्रमा, कैंसर असेंडेंट एंड सेवंथ हाउस में मास एग्जॉल्टेड। एंड आपकी बात जैसे आपने कही बिल्कुल वैसा ही रहा। जीवन में इतने उतार चढ़ाव देखे हैं कि वही किसी के पास गए थे तो उनने कहा राजयोग है, लेकिन एक्चुअल में वो राजयोग कारक कुछ नहीं रहता, क्योंकि आपके पास वही जो दो कॉन्ट्राडिक्टरी फोर्सेस के बारे में जैसे आप बता रहे हैं, वो चीज देखने में आती है। बाकी जहाँ हम मैंने सीखा है, ज्योतिष सीखा है ना, वहां पर ये बताया जाता है कि जब दो उच्च के ग्रह आमने सामने हो, तो ये एक क्वेश्चन पेपर में ये आया, सवाल आया कि भाई अगर दो उच्च के ग्रह आमने सामने तो क्या होगा। तो 80% स्टूडेंट्स ने ये लिखा कि भाई ये तो राजयोग की जो इंटेंसिटी है वो डबल हो जाएगी। लेकिन 20% ने लिखा कि ही विल बिकम पेनीलेस। वहां ऑप्शन थी कि इसके पास कुछ नहीं रहेगा या प्रॉब्लम में रहेगा, भिखारी बन जाएगा। हाँ, और वो एक्चुअली ऐसा हुआ। मतलब अगर मैं कहूँ कि वो आंसर करेक्ट था, उन्होंने पढ़वाया कि जब दो उच्च के ग्रह आमने सामने तो सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो जाती। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे याद आया अभी इस चार्ट पर कि 19 अप्रैल वाला चार्ट, तो मैंने कहा आपको बताऊं कि एक्चुअली मैं ऐसा चार्ट देखा है आज के टाइम में। और अभी वो वृद्धाश्रम में अपना जीवन बिता रहे हैं। और ये जो चार्ट है ना, अगर मान लीजिए ये कोई दूसरा लगन का होता, हाँ, ये रामचंद्र का जो चार्ट है, हाँ, तो शायद ये उतना प्रबल नहीं होता, क्योंकि तब गुरु दिग्बल